न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। पल्स ऑफ इंडिया, जनता की नब्ज को टटोलते हुए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश की एक अहम संसदीय सीट रायबरेली। जी हाँ, रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी की जीत तकरीबन तय मानी जा रही है। यह यहां पर जो उत्तर प्रदेश को लेकर पल्स है, उत्तर प्रदेश पर पूरी देश की निगाह टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना पूरा जोर उत्तर प्रदेश पर लगा रखा है। आखिर किस तरह से रायबरेली और उसके आसपास की जनता इस पूरी घमासान को देख रही है और अपना मत तय कर रही है? यूपी में क्या सीन लगता है? यूपी में तो मोदी जी का तो ऐसे ही हिसाब किताब है, उन्होंने तो खाली वादे किए, वादों के अलावा कुछ। योगी जी का भी वही है कि बस वादे कर रहे हैं लेकिन कोई उसका कोई पब्लिक की तो कोई पूछ ही नहीं है। सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन आम पब्लिक जो है वैसे ही मरती है। ना विधायक जीतने के बाद आते हैं, ना सांसद जीतने के बाद आते हैं। पब्लिक तो हमेशा जैसे है वैसे ही रहेगी। तो आते हैं, चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, जीत के फिर लौट के कोई पूछने नहीं आता। आपका कारोबार है या आप? मेरा कारोबार है। क्या कारोबार करते हैं आप? मेरा जो ना कंस्ट्रक्शन का काम है छोटा मोटा, लेकिन जब से नोटबंदी और GST लगी है तो हम लोग का काम ही बंद हो गया है। काफ़ी मुश्किल है। एक साल हो गया है बैठे हैं हम लोग, लेबर की दिहाड़ी देने के पैसे नहीं होते हैं, काम ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? ये मुद्दे क्या चुनावी मुद्दे बन रहे हैं? चुनावी मुद्दे तो बस हिंदू मुस्लिम करो, आपस में लड़वाओ, यही है। आपस में हम लोग तो एक हैं, लेकिन नेता जो है आके एक दूसरे को लड़वाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते चले जाते हैं। यूपी में महागठबंधन मजबूत बताया जा रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? क्या वाकई में मायावती और अखिलेश साथ आए जमीन पर? अखिलेश यादव तो जमीनी आदमी है, अखिलेश यादव ने काम किया है, अखिलेश यादव ने लोगों की सुनी है। अखिलेश यादव के पास कोई आम पब्लिक का आदमी भी जाता है तो अखिलेश यादव उसका निवारण करता है, उसकी समस्या का। लगता है कि यहाँ से भाजपा की सीटें कम होंगी? यहाँ से यूपी से तो भाजपा की सीटें कम होंगी। आप कितना मानते हैं, कितनी कम होंगी अभी? आप ये मान के चलिए कि 45 से 55 तक तो गठबंधन जीतेगी, उसके बाद भाजपा है। 45 से 55? जी। किस इलाके में गठबंधन का जोर ज़्यादा है? गठबंधन का जोर बाहरी इलाकों में ज़्यादा है, देहाती इलाकों में ज़्यादा है, जहाँ पे जैसे मोदी जी की योजनाएं थी कि बस कागजी तौर पे है कि यहाँ हमने शौचालय बनाया, ये दिया वो दिया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं। आप आम आदमी से पूछने चाहिए, गैस सिलेंडर तो मिल गया लेकिन गैस सिलेंडर के लिए दौड़ना कितना पड़ता है, 10 में से 1 आदमी को मिलता है। मोदी जी के प्रति पूरी निष्ठा से हम लोग लगे हैं। आप भाजपा के साथ हैं? भाजपा के साथ पूरी तरह से। मोदी जी का जो कार्य है जी नेशनल स्तर पर, उसके लिए ज़्यादा मतलब वो है देश के प्रति। अच्छा, जो मोदी जी कर रहे हैं देश को। 2014 में काफ़ी वेव थी और उन्होंने जो वादे किए थे अच्छे दिनों के, 15 लाख के, 2 करोड़ रोजगार के, वो सब गौड़ वो सारे इश्यूज अभी वो सब का कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमको देश चाहिए, देश की आवश्यकता है। मोदी जैसे लोगों की देश की आवश्यकता है। हमारे देश में ये देश जो है महापुरुषों को रहा है, ज़रूरत के हिसाब से कोई ना कोई आ जाता है। इस समय मोदी जी आ गए, इस देश को मोदी जी की जरूरत थी, वो आ चुके हैं। हम लोग उन्होंने कुंभ करा दिया कि अभी तक कभी कुंभ नहीं हुआ, कल्पना से भी परे हो ये दोनों जोड़ी मोदी और योगी, इन्होंने ऐसा काम किया है कि अरे अमित शाह जी को नहीं भूलिए। अरे अमित शाह जी तो हैं ही, अमित शाह जी तो अध्यक्ष हैं भाई, अमित शाह जी तो अध्यक्ष हैं, तो पार्टी के अध्यक्ष हैं। और मैं प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान का मैं प्रदेश सचिव हूँ, जा रहे हैं वही कार्यक्रम में। और मोदी जी मीन्स मोदी जी, कोई नहीं। किसका पलड़ा भारी रहेगा? मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से, क्या होने चाहिए? मुद्दे तो बहुत हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सबसे बड़ा मुद्दा हो गया तासुब का। पहले हम लोग ऐसे चलते थे एक साथ, पता ही नहीं चलता था कि हम मुसलमान हैं वो हिंदू हैं। ये सब फीलिंगें इतनी बढ़ गई हैं कि हमारी तरक्कियां रुक गई हैं। हम लोग एक चने की दो दालें। हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो कन्वर्ट मुस्लिम है, हिंदुस्तान में जन्म लिया, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में मरना है, कब्रिस्तान जाना है। और तो हम लोग के लिए कोई साधन ही नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ पर हम लोग जाएँ। अरब लेगा नहीं, ईरान लेगा नहीं, अफगान लेगा भी नहीं। हम लोग को हिंदुस्तान में रहना है और कब्रिस्तान में जाना है। तो हम लोगों को जितना मिलजुल कर मोहब्बत से अगर हम रहेंगे तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, भाईचारा भी बढ़ेगा। और इस भाईचारा बढ़ने के वास्ते ही हम लोगों ने आज़ादी के लिए, उस वक़्त हम ये नहीं देखते थे वो शेख है, वो ब्राह्मण है, वो पंडित है, वो मुल्ला है। हम लोगों ने सबने मिलकर आज़ादी लिए। वो हमारी असलियत ग़ुलामी अंग्रेज़ों के बीच में थी, वरना मुग़लों ने गुलामी हम लोगों ने नहीं की। हम लोग बहुत
अकबर के जो सिपे सालार थे वो हिंदू थे, जितने राजा थे उनके बहुत से हिंदू थे, और यहाँ तक कि बहुत से ऐसे हिंदू राजा थे जिनके मुसलमान रहबर थे, मगर ये तासुब इतना बढ़ गया है जिससे हम लोग की तरक्कियाँ रुक रही हैं। रायबरेली और उसके आसपास बटोही में हमने देखा कि किस तरह से जो ध्रुवीकरण है वो बहुत तगड़ा है। सोनिया की जीत को लेकर किसी संदेह नहीं है, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं, बाकी मुद्दे बहुत साफ हैं। एक तरफ समुदाय का एक हिस्सा है जो अमन की बात कर रहा है, जो बात कर रहा है कि नोटबंदी से उसका पूरा कारोबार चौपट हो गया, उसके लिए रहना, जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा का प्रचार प्रसार है वह नीचे तक पहुंचा है, और भाजपा के जो प्रचार तंत्र है, जिस तरह से बटोही में भी हमें लोग मिले, वह सीधे सीधे बता रहे हैं कि मोदी एक भगवान के तौर पर आए हुए हैं। मोदी का यह प्रचार और जिस तरह से गठबंधन पर जो हमला वो लगातार कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि ज़मीन खिसकने का अंदेशा उन्हें उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कितनी ज़मीन खिसकेगी, निश्चित तौर पर यह तय है कि भाजपा पीछे खिसक रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितनी सीटों में कितनी गिरावट आएगी यह तय नहीं है। इसीलिए आखिरी अस्त्र के तौर पर भाजपा संघ और संघ से जुड़े तमाम संस्थाओं ने पूरा प्रचार ऐसे कर रखा है जैसे मोदी नहीं तो देश नहीं, और वहीं उसके बरक्स जो गठबंधन है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वह अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं।